गड़बड़ियों की आशंका यह है। सर्वप्रथम तो मतदान के पहले ही इन्होंने जितनी गड़बड़ी करनी थी वो करे हैं। ये सीडीओ वीडियो मिल करके प्रधानों को पर दबाव बनाए, उसका भी हमने लिखित यहाँ पे डीएम साहब को दिया था कि आपके बीडीसी और हमारे प्रधानों पे ये आपके सीडीओ और वीडियो दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं जांच करवाएंगे तो ये करवाएंगे, तमाम इस तरह के बात कहकर उन पे दबाव बना रहे थे कि 5 साल भाजपा सरकार रही, भाजपा के मंत्री विधायक दबाव बनाए। खैर किसी तरीके से रोए गए, चुनाव हो गया। अब मतगणना में हमारी वोट बहुत अच्छी खासी संख्या में समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ी है। तमाम बीडीसी प्रधान लोगों ने वोट हम लोगों को खुल करके दी है। अब उसमें ये मतगणना में धांधली कराना चाहते हैं, हमारे तमाम वोट जो वैलिड वोट को इनवैलिड कराना चाहते हैं और अपनी इनवैलिड वोट वैलिड कराना चाहते हैं। इस तरह तमाम हरकत करने का हम लोग को अंदर से रिपोर्ट मिली है। उसको लेकर के हमारे माननीय प्रत्याशी जो MLC के हैं यहाँ पर, माननीय वासुदेव यादव जी, हमारे मेजाक विधायक माननीय संदीप सिंह पटेल साहब, हमारी बिजमा यादव जी विधायिका हमारे प्रतापपुर की, हमारी विधायिका सोराव गीता पासी, हम सब लोग संयुक्त रूप से यहाँ पे आकर के डीएम साहब से मिल करके उनको कहेंगे निष्पक्ष रूप से और एकदम निर्भीक रूप से एकदम स्वतंत्र काउंटिंग कराइए टोटल ईमानदारी से। बस यही हमारा अनुरोध है, हमारी वोट हमें भी दे दी या भाजपा की वोट भाजपा को दे दी है, कहीं से भी हमारे काउंटिंग एजेंट जो हैं और जो मतगणना कर्मचारी हैं उन पर किसी प्रकार कोई दबाव न बनाया जाए और एकदम निष्पक्ष चुनाव हो, तो अगर हो जाएगा हमारी जीत सुनिश्चित है। स्थानीय प्राधिकारी चुनाव 2022 का मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी की ओर से। मैंने पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है, आशंका व्यक्त की गई है विश्व सूत्रों के द्वारा कि मतगणना में कहीं न कहीं धांधली का प्रयास करेंगे। हम लोग उसी दिशा में जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने आए हैं कि मतगणना निष्पक्ष रूप से हो, जो नियम हो निर्वाचन के आयोग के उस पर कार्रवाई की जाए, मतों की गिनती निष्पक्षता के साथ में की जाए। हम लोग वहाँ पर रहेंगे, खाली उनका ध्यान हम लोग इसी ओर आगे चलने आए हैं क्योंकि वोट हो चुका है और हमको बहुमत का वोट मिल चुका है। समाजवादी पार्टी विचारधारा के हमारे ग्राम प्रधान BDC जीते हैं, उन्होंने हमको बहुमत से वोट दिया है। गड़बड़ी की आशंका है? बिल्कुल आशंका है, इसलिए हम लोग अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे 3 विधायक आए हैं, कार्यकर्ता पार्टी के नेता हमारे आए हैं, हम मिल करके उनको एक ज्ञापन दे रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, जिनमें आशंका व्यक्त की गई है कि मतगणना में कहीं से भी दबाव के आने पर कोई प्रभावित आप न हो, निष्पक्ष कराएं, पारदर्शी कराएं, यही मेरी मांग है। अरे बिल्कुल।